सारी रात मैं जगी रही 2 से 2:30 बजे तक, क्योंकि बच्चे को एक बार डॉक्टर देखने आते हैं और वो चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है या ठीक नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने उनको रात में बेबी को नैप दिया था, उसके बाद सो गए थे और मॉर्निंग में जल्दी उठ गए। आप देखेंगे हम गए थे घर, घर चले गए थे मम्मी बेबी और विशु को यहीं पे हॉस्पिटल में छोड़ के। तो अश्मी जी को ऑफ़िस जाना था, ऑफ़िस जाना भी बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे कि अश्मी जी की बहुत ज़्यादा छुट्टी हो गई है ऑफ़िस की और फिर अच्छा भी नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप चले जाओ और यहाँ पे हॉस्पिटल में जो भी डॉक्यूमेंट्स का काम होगा वो मैं कर लूँगी, बेबी को मम्मी संभाल लेंगी, तो आप चले ही जाओ ऑफ़िस। तो ऑफ़िस अश्मी जी चले गए हैं। घर पर जाके मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग किया, क्लीनिंग करने के बाद मम्मी के लिए चाय बनाई, चाय लेके आ गई हूँ। विशु के लिए वो चोको होता है, चोको लेके आ गई हूँ। विशु की दवाई लेके आ गई हूँ खांसी की, उसको भी खांसी हो रही है। सो ये था और अभी बेबी सो रहा है आराम से। इनको पता क्या हो रहा है, इनको पलटना है और वो हाथ की वजह से ना पलट नहीं पा रहा है, उसको अनकंफर्ट लग रहा है। सो अभी क्या है ना, बेबी का डायपर निकालना है, डायपर निकालने के बाद उसको टॉयलेट कराना है, क्योंकि कल वाला जो सैंपल था ना वो नहीं गया लैब में, उन्होंने कहा कि अभी मॉर्निंग वाला देना है। सो बेबी को सुसु कराना है। आप सोचो कितना डिफ़िकल्ट होता है, बेबी डायपर पहनता है, कब करता है कब नहीं करता पता नहीं चलता। और आपको पता ये सिचुएशन बहुत ही अजीब होती है। और रात में जब हम खाना खा रहे थे ना, तो मैं अश्मी जी को बोल रही थी, अश्मी जी आपको पता है मेरा थोड़ा सा दुख पता वीडियो बनाने से कम हो जाता है। इंसान अगर कुछ करता नहीं है और कंटिन्यू उस चीज़ को देखता है ना तो रोना आ जाता है। तो अश्मी जी कह रहे थे हाँ हो सकता है, क्योंकि पहले के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा तो रोना ही नहीं रुकता। बहुत आपका बच्चा हॉस्पिटल में है, बहुत ही बेकार सिचुएशन होती है ये जब आपका बच्चा। ये विशु नीचे सो रहे हैं, ये विशु हमारे नीचे सो रहे हैं और बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। विशु अभी सो जाओ, अभी सुबह नहीं हुई है। विशु उठे तो आतंक मचा देंगे, उनका अभी सोए रहना ही ठीक है। 8:30 बज रहे हैं, तो हैरी का डायपर निकालते हैं, उसको टॉयलेट कराते हैं। लवा में निकाले उसका डायपर। सो गाइस, इतने शैतान हैं ये, इनको मुझे ना टॉयलेट करा के 1 घंटा हो गया, इन्होंने नहीं करा। तो इनको पता है अभी यूरिन बैग होता है ना वो पहना दिया है कि अब जब मर्जी तब कर लेना। देखो इनको पलटना है, अलटना है, मतलब आप अभी दिन के 11 बज रहे हैं और मम्मी विशु गए हैं घर फ्रेश होने के लिए एंड खाना वगैरह देखते हैं वो लेके आते हैं या फिर मेरे को घर ही जाना पड़ता है। हैरी अभी ठीक नहीं है, अभी उसको सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा है। सो अभी ड्रिप लगाई है, उधर लेके गए हैं देखो, ठीक है। मम्मी और उनको गए हुए ऑलमोस्ट अभी 1 घंटा हो चुका है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, जब बच्चे की ना तबीयत बिगड़ती सुधरने की वजह बिगड़ती है ना तो दिक्कत हो जाती है। और अभी उसका ब्लड टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जो आई है वो नॉर्मल है। अभी यूरिन टेस्ट हुआ है, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। सो डॉक्टर ने बोला है कि अभी जो खांसी है वो 6 से 7 दिन अभी नहीं जाएगी, वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे की क्या अपडेट है। अभी तो डॉक्टर आए थे तो चेक करके गए हैं, बोले हैं कि ठीक है, जाते जाते ही सारी चीज़ें जाएंगी, एकदम से कुछ भी नहीं होगा। सो यहाँ पर ना मेरी नोज़ भी बंद होती जा रही है, मेरे को तो आपको पता ही हो ही रहा है। मैं उसके साथ लेती हूँ क्योंकि उसको साथ अगर लेते हैं तो उसको कम्फर्टेबल लगता है, अगर उसके साथ नहीं लेते ना तो उसको ऐसा लगता है कि मम्मा साथ में नहीं है। सो मैं उसके साथ ही लेती रहती हूँ। अरे अभी सिस्टर आई थी, उनको बताया था कि उसको सर्दी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने एसी ऑन रखा है, फैन ऑफ कर दिया है, क्योंकि फैन से क्या है ना
हवा घुसती है रोज़ पे, और मुझे भी सेम प्रॉब्लम है। तो अभी एस जी ऑफिस गए हैं, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने बोला था अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत से आ जाऊँगा। और इसके अंदर एक दिक्कत ये हो रही है ना हैरी के अंदर, ये ना बहुत चीज़ों को हिला दे रहे हैं, हिलाने से क्या हो रहा है ना, ग्रिप निकल जा रही है और फिर दोबारा से उसको ठीक करना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम हो रही है, मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, ब्लड ऊपर आ जा रहा है। तो डॉक्टर लोग भी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अभी डॉक्टर ने कुछ मेडिसिंस मंगाई थी जो कि मैं लेके आ गई हूँ, और बेबी की नोज में डाल भी दी है, और एक ड्रॉप जो है वो बेबी को पिलानी है। पिलाने के बाद जो बेबी की नोज में ड्रॉप डाली है ना, वो कॉटन से क्लीन करनी है। सो अभी ये प्रोसेस चालू है, आके देखते हैं क्या होता है। अभी दवाई और दवा, इनको देख रहे हो कितनी तेज तेज हिलाई हिलाई करते हैं। ये ना अच्छा है, इसमें ना अगर किसी का ध्यान भी नहीं है ना कि ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है, तो इसमें पता चल जाता है, और ये अपनी बेल बजा देता है कि हाँ भाई मैं ख़त्म हो चुका हूँ, दूसरी ग्रिप लगा दो। क्यों हैरी भाई? हाँ, ऑटोमेटिक वाला सिस्टम सही रहता है ना। ओए 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 ओए, किधर जा रहे है? मोटी मोटी आंख तेरी मार दी चरण तो, फिर छोटी वाला तेरे तेरे मारता है चंदा। हरी 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 चुप चुप चुप। ओए ओए ओए, अच्छा लग रहा है। ओए ओए ओए, आराम से आराम, देखो इनको हटाने की हो रही है, हटाने की हो रही है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अभिषेक क्या हुआ था? मैं उसका फेस मकेरे का ही क्या गया है। हाँ? आप कहाँ फंस गए थे? लेफ्ट कंधा। अब हैरी आप नानी के साथ रहो, मम्मा जा रही है घर। ओके, हाँ। सो फ्रेंड्स, घबराहट इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, मम्मी अंदर आई अकेले और मुझे लगा कि विशु खो गए, क्योंकि मम्मी को घर तो पता नहीं था, मम्मी ऐसे ही मम्मी को रास्ता बता दिया था कि मम्मी ऐसे ऐसे जाना है। तो क्या हुआ ना, विशु आए और विशु ने तुरंत से लिफ्ट का बटन दबाया और विशु चले गए और लिफ्ट बंद हो गई और नानी बाहर रह गई, तो वो सीधा 5th या 6th फ्लोर पे चले गए विशु। इससे क्या हुआ, उनको डर लग गया और नानी भी चली गई साथ में दूसरी लिफ्ट से। सो दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, वो तो अच्छा हुआ कि कोई रश वाला माहौल नहीं था, नहीं तो ऐसे में बेबी खो जाता और मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, टेंशन बहुत हो जाती है, सो मैं घर जा रही हूँ। नानी हमारी आ चुकी है, बेबी के साथ परेशान हो चुकी है, तो इसके सिर ऊपर कर देना, इस खिंचने ऊपर कर देना। अभी अभी हैप्पी है हैरी, तो मेडिसिन वगैरह ले ली तो थोड़ा सा रिकवर हो रहा है। तो गाइस, हैरी के तो खूब मजे आ रखे हैं, खूब खूब मस्ती कर रहे, खूब मस्ती कर रहे। आए आए आए, चुप 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 चुप, कुकी 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 कुकी। नानी पुच्ची कर रही है, नानी पुच्ची कर रही है।
तो मम्मा जाए घर, अपना ध्यान रखना, ओके बाय बाय। भाई चलो, परेशान मत हो मेरा बच्चा, आ जाओ। और मेरे को तो घबराहट हो गया, मेरा नाथ चल गया भीतर। वो भी मैं मिल दब 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 बजाया, तब भी वो चालू नहीं। और तब मेरे कुदरती बाबा वो बटन दबा दिया, और तब गया वो मंजिल। और फिर मिल दिया बाबा विष्णु नीच, और फिर मैं मथी बटे की सीढ़ी हूं। अच्छा आगे आगे और विष्णु दिया ताल, वो तीन चार लड़कों को तुम ये बताओ, तुम छुआड़ की ले चु बिशु बिशु छुआड़ की ले चु एकदम से वो भाग के वो एक बटन दबा दिया आदमी। अच्छा, बटन दबा दिया है। हाँ, सीढ़ी एक दो सीढ़ी मंगान छह मिला, तब तक वो एक बटन दबा के वो भीतर चल गया। अच्छा, आज तो बुआ इसने बहुत परेशान कर दिया, बहुत मार दिया, बहुत परेशान कर दिया, बहुत ही मार दिया यार। अच्छा, बच्चा वो अच्छा, चला गया है। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आज बताए तो लिफ्ट आप इसी लिफ्ट में खो गए थे, कैसे हुआ था, आपने क्यों करा था ऐसा? मैं कह रहा था ये क्या गया है? हाँ। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था ये क्या गया।